बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? देसी होम रेसिपी से मैं आज आपको दिखाऊंगी सफ़ेद चने बनाने का तरीका। उसके लिए जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने आधा किलो सफ़ेद चने लिए, इनको रात मैंने पानी में भिगो दिया था। 2 मीडियम प्याज, 2 टमाटर, 2 सब्ज़ मिर्च, 5 टेबलस्पून दही, आधा कप कुकिंग ऑयल, हरा धनिया, सूखी मेथी, 2 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून करी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 मोटी इलायची, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी। मैंने गैस ऑन कर लिया है, अब मैं इसमें ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, प्याज, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें अदरक और लहसुन डाल रही हूँ। एक मिनट के लिए इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। और ये सारे मसाले थोड़ा थोड़ा साथ पानी डाल के मसाले को 8 से 10 मिनट तक भूनना है। मसाला तैयार हो गया है, अब मैं ये चने इसमें डाल रही हूँ। और दही, इनको अच्छी तरह से भूनना है। चने मैंने अच्छी तरह भून लिए हैं, अब मैं इसके अंदर 2 ग्लास पानी डालूंगी। और इनको कवर कर दूंगी, मीडियम आंच पे इनको पकाना है। अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ, चने सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसके अंदर मेथी, धनिया डाल रही हूँ। दो मिनट के लिए इसको मिक्स करना है।
सालन तैयार हो गया है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।